is the TV Today Network. And you are watching Headlines Today. You're watching the Headlines Today special broadcast being brought to you from Baramati, where tempers are rising amongst the people who've gathered over here at this village. This is where Ajit Pawar made his hugely controversial comment before the Lok Sabha elections, where he virtually threatened people if they didn't vote for Supriya Sule. We want to get some more people to ask questions. Aap puchna hai, kya sawal hai? Mera sawal hai ki is Baramati mein sarvasadharan jo log hai, uska kuch sunta nahi jo wo satya par hai na jo log garib ki kuch sunte nahi usko college mein usne banaya na bade bade college usme garib ka vidyarthi admission nahi le sakta unhone uske prapanch aur business ke liye ye college banaye hai mera kehna hai jab garib ki sarkar aayegi tab mere garib aur is gaon wale गांव वालों के गरीब के विद्यार्थी का शिक्षण होगा। चलिए, आपने ये अहम सवाल पूछा, किशन दिनकर तांबे साहब को जवाब देना होगा कि बिजनेस को तो पवार साहब ने बहुत प्रोत्साहन दिया, लेकिन गरीब लोगों को लगता है कि ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी, बड़े बड़े बिजनेस के लिए बने, ये बिजनेस को तो फायदा हो रहा है, गरीब आदमी को फायदा नहीं हो। जवाब दीजिए। अच्छा, मैं जवाब देता है कि जो गरीब जो आदमी है ना, गरीब जो आदमी बेटा हो बेटी हो, उसको पवार साहब ने वो पवार फैमिली में लेने अच्छा निर्णय लिया है। तो कॉलेज में वो गोपने साहब जो बोल रहे हैं वो गलत से बोल रहे हैं ना। वो बिजनेस का इसका मतलब नहीं, पूरा उसका जो लक्ष्य रहता है वो गरीब को रहता है। पहला वो केंद्रीकरण वो गरीब को देता है, गरीब जो है ना उसको प्रोत्साहन देता है। वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो गलत से बोल रहे। उसका भाई पंचायत समिति में सभापति था, उपसभापति था, उसका कितना घर है, वो गरीब है ना, उसको भी सभापति दिया ना, सभापति पद तालुके का उपसभापति दिया है, वो गरीब है, वो अमीर नहीं है। सवाल पूछिए, क्या वो क्या सवाल आप कर सकते हैं? मैं उनको एक पूछना चाहता हूँ ऐसा कि ये जो मासलवाड़ी है, यहाँ के जो विद्यार्थी है कितने वीपी कॉलेज में पढ़ रहे हैं? बारामती में जो उनका वीपी कॉलेज है उसमें कितने यहाँ के लोग पढ़ रहे हैं? आपके हिसाब से कितने पढ़ रहे हैं? एक आध होगा, वो भी जो बड़े इनके जो नेता है ना, यहाँ के जो नेता है। कौन से लोग आके पढ़ते हैं यहाँ पे? एनसीपी के जो नेता है यहाँ के लोकल के। नहीं नहीं, बाकी बच्चे कौन है जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे? ये तो उनका बिजनेस है, कहाँ से लोग आते हैं हमें क्या मालूम, अंदर भी जाने नहीं देते हो, बाहर से ही देखना पड़ता है उनका कॉलेज। बारामती में कॉलेज है लेकिन हमको उधर एडमिशन नहीं है। क्यों नहीं मिलती आपको एडमिशन? एडमिशन कैसे मिलेगी, गरीब इतना पैसा तो नहीं दे सकता डोनेशन में। डोनेशन मांगते हैं वहाँ, डोनेशन तो देना ही पड़ता है। के डोनेशन है क्या? डोनेशन उसका जो डोनेशन है वो बहुत है, उसी लिए गरीब नहीं पढ़ सकते। आपको लगता है यहाँ पे गरीब बच्चों को पढ़ने को मिलता है कॉलेजेस में? यहाँ के जो कॉलेज पवार साहब ने बनाए उनमें गरीब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको पढ़ने को नहीं? नहीं नहीं, कोई भी नहीं, जो भी बाहर के राज्य के आते हैं खाली उनको ही ज्यादातर एडमिशन मिलते हैं। गरीब का कोई भी बच्चा यहाँ पढ़ता नहीं, उनको कोई भी अगर जिला परिषद पंचायत समिति जो स्कूल रहते हैं छोटे छोटे उसमें उनको एडमिशन में लेना पड़ता है। और दूसरी बात, एक जो शिक्षण क्षेत्र का बड़ा घोटाला है उसमें स्टूडेंट्स के लिए राज्य सरकार ने फिर रिफंड की स्कीम जारी की थी 2007 से, जो ये भी एससी एनटी ओबीसी ऑर्डर्स और जो आर्थिक जो दुर्बल घटक है उनके लिए एक राज्य सरकार ने स्कीम की थी कि उनके 50% और 100% फिर रिफंड किए जाएंगे, लेकिन फिर भी वो फी एक रुपए की भी फी इस राज्य सरकार ने किसी कॉलेज को नहीं दी। और चलिए, जवाब आपको देना होगा तांबे साहब, सारे सवाल सारे मतलब मशीन गन लेके जनता आप पे चढ़ी हुई है एकदम आज, वो सत्ता में इसलिए हो भी रहा। कुछ नहीं, मैं वो कह रहे हैं कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, अच्छा अच्छा, उनकी पढ़ाई नहीं होती बड़े बड़े कॉलेज में। मैं 20-25 वर्ष से सोशल वर्कर रहे, मैं हर हफ्ता नहीं, यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं। अच्छा, आप बताइए आप में से कोई पढ़ पा रहा है वो जो बड़े बड़े कॉलेज बने हैं? ये गांव वाले ही है ना? अरे है, है। कहाँ पे बताइए, कौन है यहाँ पे जो किसी को जानता है गाँव वाला उसको की वीपी कॉलेज में पढ़ने का? उठना है सर, देखिए लोग बोल रहे कोई नहीं है। अरे हर आदमी, हाँ
है ना, वो कॉलेज में सब बच्चे है ना, हमारे गांव के सब बच्चे यूपी कॉलेज में हमारे को पॉलिटेक्निक में। वही तो वो कह रहा है कि एनसीपी वालों को मिल जाता है। मैंने वही तो वो कह रहा है कि एनसीपी वाले अपना तो करा लेते हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं। चलिए हाँ एक सेकंड, हेलो मेरे एक मिनट सर जी, मैं इसी गांव का हूँ और मैं पवर सबके संस्था में पढ़ रहा हूँ, मैं भी सिविल कर रहा हूँ। पर आप एनसीपी से हैं क्या? एनसीपी से हुई हूँ। वही तो वो कह रहा है, अरे सर वही तो वो कह रहा है कि एनसीपी से हो तो आपका तो दाखिला हो जाता है, अरे वो बाकियों का नहीं हो रहा है, वही तो प्रॉब्लम है। पहला मेरा सुनिए, इस गांव की जनसंख्या 2000 है, 2000 है, और मुझे मालूम है कि इस गांव के हर घर का हर बच्चा इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है। सर कहाँ है? बाकी गांव वाले भी तो यहीं पे, वही तो वो कह रहे हैं कि जो एनसीपी से है उसको दाखिला मिलता है, बाकियों को नहीं मिलता। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे ये जो बता रहे तुम कि यहाँ पे एनसीपी के पवार साहब ने बारामती में जो संस्था बनाई है वहाँ पे तुम्हारे लॉ कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज सब बनाए, लेकिन यहाँ मसालवाड़ी गांव में कम से कम मेरे हिसाब से वहाँ पे पढ़ने को कम से कम 15-20 बच्चे हैं। एनसीपी वाले नहीं, पूरे उन्होंने भेदभाव नहीं किया। वो कौन का कौन से पार्टी का है वो देखते नहीं, लेकिन उनका ध्यान है हमारी जनता पूरे हिसाब से। और एक बात कहना चाहता हूँ मैं तुमको, ये जो तुम बोल रहे भाजपा सेना और एनसीपी पवार साहब इस बारामती तालुका पूरा नेता है, लेकिन ये सब तुम बोल रहे वो सब उनके बाजू के सब अभी उनको छिका रहे हैं, पवार साहब को बताने की जरूरत नहीं, वो मान्यता है। ओके, सो व्हाट आई वांट टू डू नाउ इज प्ले आउट अ रिपोर्ट फाइल्ड बाय माय कोलीग जुगल पुरोहित हु ट्रैवल टू गढ़चिरोली। गढ़चिरोली इज द नक्सल इंपैक्टेड एरिया ऑफ महाराष्ट्र एंड इन गढ़चिरोली सरप्राइजिंगली when candidates are going out to canvass, they're not talking about Naxalism at all. It's like the 200-pound gorilla in the room, which is the biggest issue confronting the people of Gadchiroli. But nobody wants to tackle the issue head-on or suggest what they will do to try and ensure that Naxalism is dealt with. Jugal Purohit files this report from Gadchiroli. For decades now, the tribals of Gadchiroli have had to live under the shadow of the gun. Now that assembly elections have taken center stage, the villagers in the district have been surprisingly untouched by the poll fervor. And none of those seeking votes here are addressing the biggest reason for the villagers' poor condition. नहीं, इशू नक्सलवाद का होगा, पर अभी मुद्दा तो आज इलेक्शन का है, तो इलेक्शन के लोगों के हिसाब से यहाँ पर बात करना पड़ेगा। मैं अकेला कुछ करने से नहीं होगा, या लोग अब यहाँ लोगों को रहना ये उनका जिंदगी है, ये उनका गांव है, तो उनको सबको साथ में लेकर चलना है। नक्सलवाद जो यहाँ पे जो चढ़वल चालू है उससे बाहर आओ और काम करो। ये तो पूरा स्टेट का विषय है और सेंट्रल का विषय है। Pulapaka Elkurti and Samantha Gangula from Gadchiroli Sironcha have lost their sons to what they believe are fake encounters. Though they still seek justice, their hopes have been dented because not even the elected representatives have taken up their cause so far. जहाँ तक इन राजनेताओं का सेफ्टी का सवाल है, तो नक्सल के डर से ये जितने भी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं वो जनरली अर्बन एरिया में घूमते हैं। रूरल एरिया में जहाँ पर नक्सल का प्रभाव है वो एरिया में ना वो जाते हैं, ना वहाँ पर कोई सभा लेते हैं, ना कुछ करते हैं। एज अ यू नो इट इज अ नक्सल्स आर अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड द कैंडिडेट्स फॉर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस दे आर द ऑब्वियस टारगेट फॉर नक्सल्स because basically they want to hit our democratic process. Ever since the erstwhile People's War began exfiltrating from Andhra Pradesh, Gadchiroli has had to live with blood on its hands. In fact, between the last assembly elections held in 2009 and today, according to government's own data, more than one individual loses his or her life every week to the Maoist insurgency. And yet,
none of the political parties want to discuss it. It clearly goes to show that for democracy to take its roots and impact the lives of people in a manner which is realistic and effective, it still has some distance to go. With camera person Nikhil Sharma in Gadchiroli, Maharashtra, Jugal Purohit for Headlines Today. Very disconcerting that before this big election, none of the parties wanting to deal with Naxalism head on. What does this suggest for what might happen later? अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मोदी जी आए बड़ी रैली की उन्होंने वो पवार साहब को बारामती में आके टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं इससे पहले लोग बारामती आके कैंपेन नहीं करते थे उनको लगता था कि एनसीपी जीत जाएगी आपको लगता है कि मोदी जी के आने से पवार साहब को खतरा है नहीं कितने लोग मानते हैं कि खतरा है मोदी के आने से कितने लोग मानते हैं कि मोदी के आने से खतरा है आप मानते हैं खतरा है नहीं है कुछ भी खतरा नहीं है अजीत दादा पवार एक लाख से मत से बढ़कर वो जीत जाएंगे उसे मोदी आप कह रहे हैं खतरा नहीं है और कौन है जो कहता है कि खतरा है कि नहीं है मोदी के आने से मोदी के आने से शरद पवार को कोई खतरा नहीं होगा अजीत पवार को भी कुछ खतरा नहीं होगा क्यों नहीं होगा ये भी बात मैं बताता हूँ जब गुजरात के मुख्यमंत्री बॉम्बे में आके बॉम्बे को हमारे महाराष्ट्र से अलग करना चाहते हैं और बॉम्बे की जो बड़े बड़े उद्योगपति है जो रतन टाटा जैसे अगर वो धीरूभाई अंबानी जैसे उनको बोलते हैं कि हमारे इधर चलो महाराष्ट्र में क्या रखा है हमारे महाराष्ट्र के लड़के जो आईटीआई हो गए जो बीए हो गए जो बीएससी हो गए जो इंजीनियर होंगे उनका क्या करेंगे हम लोग बहुत सही बात है सर ये देखिए यहाँ लग रहा है एक सेकेंड दिलीप खैरे साहब यहाँ पे जनता की आवाज सुन के लग रहा है कि बारामती तो अभी भी पवार साहब का ही गढ़ है रैली तो कर ली मोदी ने लेकिन जनता ज्यादा मोदी के साथ लग नहीं रही है देखिए सर यहाँ की जनता जो है वो रैली में जो सम्मिलित होने के बाद जो बताएंगी वो 19 तारीख को आपके सामने आने वाला है मैं इतना 100% श्योर होके बोलता हूँ कि इस बार बारामती में अजीत पवार हारेंगे ही हारेंगे यहाँ मेरे भाई ने जो सवाल उठाया कि मोदी जी महाराष्ट्र के कुछ उद्योगपतियों को या महाराष्ट्र से गुजरात लेके जा रहे हैं ऐसा नहीं है महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट मेरी बात सुनिए पूरी महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है वो कांग्रेस एनसीपी वाली थी 15 साल से यहाँ बिजली की समस्या है 15 साल में पानी की समस्या है ये जो समस्या बिजनेस के लिए जो प्रॉपर समस्या है वो छुड़ाने में ये नाकाम रही है इसके वजह से महाराष्ट्र के बड़े उद्योगपति यहाँ से दूसरे राज्य में शिफ्ट हो रहे हैं इसके बजाय गुजरात में माहौल अच्छा था वहाँ पर गए चलिए मैं आकाश विजय मोर्य साहब को लेता हूँ कांग्रेस पार्टी से हैं इस बार तो आपका अलायंस नहीं है लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस फिसल रही है जनता एकदम खाई में कांग्रेस को किनारे कर रही है क्यों हो रहा है इतना बुरा हाल कांग्रेस का आपको मैं बताना चाहता हूँ इन सबके सामने बीजेपी और राष्ट्रवादी ये इलेक्शन के बाद साथ में आने वाले हैं अच्छा हाँ बिल्कुल आने आपको वाले कैसे मालूम बोलता हूँ मैं आपको ये इधर जो मोदी साहब का जो इधर कैंपेन हो गया बड़ा रैली हो गया इधर उस रैली में जो शरद पवार के फेवरेट वाले चीजें उन्होंने मोदी साहब ने बोली है उनको जो हैम्पर करने वाली चीज थी वो उन्होंने नहीं बोली आप कह रहे हैं मैच फिक्स्ड है 100% मैच फिक्स है 100% मैच फिक्स है आप इलेक्शन के बाद देखोगे मोदी साहब की रैली में शरद पवार अजीत पवार को गिराने लायक एक भी चीज उठाई नहीं गई बहुत सारे उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा यहाँ पे एक बड़ा समाज है धनगर समाज उन्होंने क्या कहा धनगर समाज के पीठ पे चक्कू बोका है छुरा मारा है शरद पवार ने वो मारा रहेगा लेकिन मैं सबके सामने कहता हूँ मोदी साहब ने धनगर समाज के पेट में छुरा मुका है सामने मुका है क्योंकि जो इन गरीब समाज की जो मांग थी आरक्षण की उसके लिए उन्होंने एक जिक्र भी नहीं किया जो लोकसभा के पहले उन्होंने जिक्र किया था आपने क्या किया हम तो हमारा स्टैंड क्लियर है हम रिजर्वेशन के बाजू में है
रिजर्वेशन के बाजू में है। 73% तो आपने कर ही दिया है। नहीं नहीं क्या 103% करेंगे? राष्ट्रवादी के कोई तो पढ़ाते चले राष्ट्रवादी के प्रकाश तिवारी साहब को लेते हैं, एमएनएस से है। हमने देखा कि मुंबई थाने के इलाके में तो एमएनएस है, पुणे में भी पिछले बार एमएनएस था, लेकिन आपको लगता है कि ये जो गांव है बारामती के, यहां पे भी राज ठाकरे का जादू चलेगा कि आप अकेले ही हैं बस? चलेगा इस इलेक्शन में की बाद में इस इलेक्शन में की बाद में इसलिए नहीं खड़ा क्योंकि वो जो विरोध वालों का वोट होता है वो बिखर जाता है, इसलिए एक पक्ष को ही फायदा होता है और उसका लीड कम हो जाता है विरोधी पक्ष का। तो आप लोग वोट कटर है मतलब? हाँ वोट का वोट काटने वाली पार्टी है एमएनएस। वोट का अभी इधर देखो इस सब नौजवान है उसके मोबाइल में राज ठाकरे का फोटो जरूर होगा, आज इस दादा का नहीं होगा लेकिन राज ठाकरे का होगा है आप लोगों के मोबाइल में राज ठाकरे का। सर ये तो मना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनका फोटो होगा, वो तो मना कर रहे हैं। देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा। अच्छा वन ऑफ द अदर फैक्टर्स इन दिस इलेक्शन इज द MIM। नाउ द MIM इज ट्रेडिशनली बीन अ पार्टी आउट ऑफ हैदराबाद with Asaduddin Owaisi and Akbaruddin Owaisi leading the charge for the MIM. However, there are several pockets of Maharashtra where the Muslim population is quite substantial, and in this election, the MIM has put up candidates on these seats, and they threaten to cut into the vote share of the Congress and the NCP on seats where MIM candidates are contesting. Kamlesh Sutar now dissects the impact that the MIM can have in an already five-way election in Maharashtra. महाराष्ट्र में एक सिस्टमेटिक तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का डिसएम्पावरमेंट किया गया है। 2009 के पार्लियामेंट इलेक्शन में 2014 में एक भी मुस्लिम एमपी ना कांग्रेस से ना राष्ट्रवादी कांग्रेस जीत पाया। तो ये कम्युनलिज्म है और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होने की वजह से मुस्लिम माइनॉरिटी का जो सोशो एजुकेशन इंडिकेटर्स है बहुत बुरा है। With all major political parties deciding to go it alone in the battle of Maharashtra, the MIM too has thrown its hat in the ring. The party is contesting close to a dozen seats in the upcoming assembly polls. The Owaisi brothers are leading MIM's Mission Maharashtra, and they could spell trouble for the Congress and the NCP. हमारी आवाज मुसलमान ही उठाएगा और कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं उठा सकता पार्लियामेंट में। इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे तो जाएंगे उठाएंगे आवाज़। MIM तो अभी भी नहीं आई है, अभी हैदराबाद में उसका पहले मतलब लोग सुनते थे कि भाई अकबरुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी का बोलना मुसलमान के लिए बहुत अच्छा होता है सब, लेकिन अभी स्टार्ट है, अभी मुमरा में भी लोग देखेंगे क्या है। महाराष्ट्र हैज द फोर्थ लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन आफ्टर यूपी वेस्ट बंगाल एंड बिहार विद मुस्लिम कंप्राइजिंग अबाउट 12% ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन। There are 47 constituencies in the state where the Muslim population is between 20 to 43%. In places like Mumbra, Bhiwandi and Malegaon, the Muslim population is around 50%. According to the state appointed Mahmudur Rahman committee, more than 59% of urban and rural Muslims in Maharashtra are below poverty line, but mainstream political parties including the MIM talk about greater political representation than talking about the development of the community. MIM is strongly banking on the numbers and may badly dent into secular votes with its candidates evoking strong pro-community sentiments rather than the overall upliftment of the community. Minority ka fund jo hai aaj Hyderabad ke andar mein Telangana mein 45 lakh Muslims hai, minority ke log hai, और वहाँ पे 1,000 करोड़ का बजट है और यहाँ 125 करोड़ मुस्लिम है और 500 करोड़ का बजट। आप इमेजिन करो कितना बड़ा डिफरेंसेस है। गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं जॉब पे नहीं है, पुलिस में 4% मुस्लिम्स नहीं है, तो इन सबको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए क्या? क्या ये देश का हिस्सा नहीं है? MIM इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक इनरोड्स इन महाराष्ट्र फ्रॉम फील्डिंग स्ट्रॉन्ग लोकल मुस्लिम कैंडिडेट्स टू रोपिंग इन अर्बन फेसेस। While MIM's presence has the Congress and the NCP worried, the BJP is not rattled. So you can easily understand that they have just fielded their candidates to cut into the secular votes in this constituency, and then
make the dream of RSS and Shiv Sena possible. But the Muslims are also very intelligent. एमआई लड़ने दो और कोई भी लड़ने दो उस पर जो भारतीय जनता पार्टी की अभी लहर है वो लहर के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ये लहर के माध्यम है और इनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सीट महाराष्ट्र में सभी इधर आएंगे और कलवा मुमरा में भी अच्छे भारी मोटर से यहाँ से हम चुन के जाएंगे ये भी यहाँ नमूद कर दे. Analysts feel MIM is making its presence felt, but will it translate into votes? Compared to 2009, the number of Muslim candidates in Maharashtra has gone up, but it may not sound as great a news because political pundits believe that with more number of Muslim candidates, the division of secular votes is likely. With camera person Vaibhav Kangutkar, Kamlesh Sutar in Mumra for Headlines Today. The MIM making life tougher for the Congress and the NCP. Let's take some questions. Aap poochne ja rahe hain sawal, poochiye. क्यों डोनेशन लेकर भी हमको पढ़ने के लिए क्यों नहीं मिलता? आपने डोनेशन दी? कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं आप? पीपी कॉलेज में. ये जो पवार साहब ने बनाया, हाँ, पवार आपसे डोनेशन ली गई? 70,000 रुपए ली गई. तो ये कह रहे थे कि डोनेशन नहीं देनी पड़ती, आप कह रहे हैं कि डोनेशन देनी पड़ती है. मैं यही पूछ रहा हूँ, जो सच है सच बताओ, दबाने की क्यों कोशिश कर रहे? वो बोल रहे डोनेशन नहीं ले रहे. डोनेशन तो हमसे लिए है ना. तो बताइए एनसीपी के रिप्रेजेंटेटिव साहब, आपने बोला कि डोनेशन नहीं मिलती, गांव वालों को पढ़ने को मिलता है, ये बच्चा बोल रहा है कि 70,000 रुपए डोनेशन. डोनेशन हिप्पी जो कॉलेज है, पवार साहब का जो कॉलेज है, उधर डोनेशन लेता ही नहीं. अरे सर, वो दे के आया बेचारा बच्चा, वो आप बोल रहे कि डोनेशन नहीं देता है. नहीं, वो बेटा है, वो ये गाँव का भी नहीं, ये गाँव का नहीं बेटा. इस गांव का नहीं तो हुआ तो क्या हुआ, लेकिन पुरंदर तालुका में रहता हूँ ना. नहीं, पर ये तो इम्पोर्टेंट बात है, आप बोल रहे डोनेशन नहीं लेते, ये बोलता है डोनेशन ले रहे. आप सवाल पूछना, बीजेपी का मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका महाराष्ट्र में कोई नेता है क्या? नहीं, वो इधर बैनर पे मोदी लगाया है, महाराष्ट्र का एक नेता लगाओ. ये तो बड़ी प्रॉब्लम है सर, बीजेपी के सर, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. दिलीप खैरे साहब की कोई आपकी पार्टी का नेता ही नहीं है गोपीनाथ मुंडे जी की मौत के बाद. सर देखिए, बीजेपी के नेता, आपकी फोटो लगा दे क्या उधर? नहीं नहीं, बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व भर में छाए हुए हैं, तो ऐसे माहौल में बीजेपी की छवि में अगर मोदी जी का चेहरा लगाया जाए तो ऐसा कोई मतलब नहीं निकलता कि महाराष्ट्र में कोई नेता नहीं. यहाँ के बहुत नेता है कि जो महाराष्ट्र के सीएम सीट से कोई भी सीट के लिए अच्छे से अच्छा काम करने वाला नेता है. अभी बारामती नगर पालिका का इलेक्शन होगा, तभी मोदी का ही चेहरा लगाएंगे क्या आप? देखिए, कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी में अगर कोई भी चुनाव लड़ना हो तो किसी भी इलेक्शन में अच्छे से अच्छे नेता का चेहरा प्रोड्यूस किया जाता है. चलो, यहाँ एनसीपी मासलवाड़ी गांव में चुनाव होगा तब भी मोदी जी आएंगे कैंपेन करने के लिए? मोदी जी आएंगे ना, मगर उनका चेहरा तो इस्तेमाल किया जा सकता है ना. मोदी जी जब ये महाराष्ट्र में आ गए थे कोई भी सभाओं के लिए, कोई भी तो उन्होंने बताया था यहाँ से गोपीनाथ मुंडे गए, तो यहाँ इसलिए मुझे आना पड़ा. इसका मतलब है कि पूरे महाराष्ट्र में कोई लायक नेता ही नहीं है बीजेपी का. ठीक, तो आप लोग यहाँ पर आए, इस कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, एक आखिरी सवाल आप पूछना थे, चलिए पूछे. मुझे एक बात पूछनी, ये सब कैंडिडेट, एक कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी और एमएलएस हैं, मुझे एक बात पूछनी, वो ये सब बोल रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन हम धनगर समाज के आरक्षण के लिए इतना झगड़ रहे, लेकिन इसका इसमें एक ही उसके बात नहीं की, उनको उसने बात भी निकला ही नहीं. अनाने किसने नहीं बताया? पर आरक्षण कितना बढ़ सकता है ये भी एक सवाल है, क्योंकि पहले से ही 73% यहाँ पे आरक्षण हो चुका है. सवाल अभी बहुत है लेकिन वक्त खत्म हो गया है. सो दिस इज वेयर वी हैव टू रैप अप दिस ब्रॉडकास्ट. इट्स बीन वेरी वेरी बिटर, वेरी हीटेड. यूजुअली बारामती इज अ कंप्लीट पावर बेस्टियन व्हेन नोबडी एल्स गेट्स मच ऑफ अ से. For the first time, that bastion is under threat. They might still win seats in and around Baramati, but this fort is now under pressure, possibly like never before. Aap sabhi ka bahut bahut shukriya.